नवागत एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गुरुवार को गोरखनाथ सर्किल के सीओ थाना व चौकी प्रभारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रपति के आगमन के दौरान किए गए सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि 9 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति का जनपद में आगमन हो रहा है, जिसके लिए बैठक करके सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा देखिए, आपको भी पता है मैंने नया नया प्रभार लिया है और साथ ही वीआईपी मूवमेंट है, उसको देखते हुए मेरा एक सिक्योरिटी रिव्यू बनता है इस प्रमाइसेस का, जिसको इसके लिए ही मैं यहाँ पर आया था और इसको पूरी तरह से समझना बूझना कितने तरह के यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनकी रिव्यू के लिए मैं यहाँ पर था और पूरी तरह से करके उसमें और निरंतर सुधार की गुंजाइश रहती है। किसी भी सिस्टम में कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है, हमारी निरंतर ये कोशिश होती है कि और अच्छे से अच्छी सुरक्षा प्रदान की जाए। बस उसी को देखते हुए कि आगे की सिक्योरिटी रिव्यू और मनोबल बनाए रखने के लिए जवानों और अफसरों से बातचीत करना, उनकी समस्याएं जानना, इसी संबंध में एक बैठक हमने आई। पूरे देश में ही इसको लेकर के सतर्कता बरती जाती है, हमने भी यहाँ पर पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट निकाल के रखा गया है। किसी भी स्थिति के निपटने के लिए हम सक्षम हैं और हम किसी भी असामाजिक इस तरह के तत्वों को या संवेदनशील स्थानों को नज़र में रखते हुए और किसी भी प्रकार की घटना ऐसी कोई परंपरा मुझे संज्ञान में नहीं है। अदरवाइज़ आपने देखा ही होगा कि कल सभी सारे ही सरकारी अफसर फ्लैग मार्च से भी बड़ी स्थिति में पूरे शहर में हम लोग घूम रहे थे और एक मैसेज क्लियर पूरे सभी लोगों को दिया गया है। और जैसा मेरा मानना है, यहाँ काफ़ी संभ्रांत और अच्छे लोग रहते हैं, सभी लोग समझदार हैं। पहले से कोई घटना मेरे संज्ञान में इस समय काफ़ी समय से कई सालों से नहीं है और इससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे हैं, पुलिस को कोऑपरेट करते हैं, कानून व्यवस्था बरकरार रखते हैं और पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और पुलिस हर जगह लगभग कोशिश है कि मौजूद रहेगी। तो ऐसी बात है तो हम मीडिया का भी सहयोग और जनता का सहयोग चाहिए।